जगह जगह जनता का अपार लाड़ प्यार दुलार इसने आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे भोपाल में मोदी लहर चल रही है। अभी तक मास्टर प्लान नहीं आ पाया, विकास नहीं हो पाया, पेयजल की समस्या, ऐसे आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। मास्टर प्लान सबसे बड़ी बात है। पेयजल की कोई समस्या नहीं है, इंडिविजुअल कनेक्शन देने की बात हमने कही थी तो करेंगे हम, और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी मास्टर प्लान आएगा और मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंट भी होगा। इस बार भोपाल की जनता जीत के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करने वाली है। आलोक जी, भोपाल का बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये बात कहते हैं, अलग विजन के साथ विकास करके दिखाएंगे, क्या वो विजन रहने वाला? आने वाले भोपाल को हम एक ट्विन सिटी के रूप में विकसित करेंगे, जैसे अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़कर विकास किया गया है, जैसे सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़कर विकास किया गया है, भोपाल के विकास का रोड मैप बनाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लोकसभा सीट से आलोक शर्मा जो है चुनावी मैदान में, और इस समय आप देखेंगे तो चुनावी रथ में वो नजर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक भाई का जगह जगह स्वागत हो रहा है, हम आलोक जी से बात करने की कोशिश भी करेंगे, आपको आगे का नजारा दिखाऊंगा। जगह जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आलोक शर्मा का जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उमंग है जो भोपाल में देखने को मिल रही है। और इस चुनाव प्रचार के जरिए आलोक शर्मा पूरे भोपाल में जाकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं, बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, और सीधे आलोक जी से हम बात करेंगे, आलोक जी से समझने की कोशिश भी करेंगे, कई जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आलोक जी, अपार जन समर्थन मिल रहा है आज भोपाल की मध्य विधानसभा के महाराणा प्रताप नगर मंडल में जनसंपर्क हो रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह जी साथ में, जगह जगह जनता का अपार लाड़ प्यार दुलार इसने आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे भोपाल में मोदी लहर चल रही है, राम लहर चल रही है, और इस बार भोपाल की जनता जीत के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करने वाली है। आलोक जी, भोपाल का बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये बात कहते हैं, अलग विजन के साथ विकास करके दिखाएंगे, क्या वो विजन रहने वाला? आने वाले भोपाल को हम एक ट्विन सिटी के रूप में विकसित करेंगे, जैसे अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़कर विकास किया गया है, जैसे सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़कर विकास किया गया है, भोपाल के विकास का रोड मैप बनाएंगे। भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को लेकर भोपाल में विकास करेंगे। अभी तक मास्टर प्लान नहीं आ पाया, विकास नहीं हो पाया, पेयजल की समस्या, ऐसे आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है, मास्टर प्लान सबसे बड़ी बात है? पेयजल की कोई समस्या नहीं है, इंडिविजुअल कनेक्शन देने की बात हमने कही थी तो करेंगे हम, और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी मास्टर प्लान आएगा और मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंट भी होगा। आखिरी सवाल, मोदी जी के विकास के नाम पर तो वोट मांग ही रहा है, लेकिन आलोक जी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो किस बात को कह रहे हैं? आलोक को वोट दो और ये चीज पक्का मैं संकल्प लेता हूँ करके दिखाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर आज हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बना है, हेरिटेज सिटी बना है, डिजिटल सिटी बना है, ग्लोबल सिटी बना है, मेट्रो सिटी बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। भोपाल में जो बड़े बड़े फ्लाई ओवर बने, लाल घाटी का फ्लाई ओवर, कमला पार्क का फ्लाई ओवर, रानी कमलापति आर्च ब्रिज, पॉलीटेक्निक का स्मार्ट रोड, ये वीर सावरकर सेतु, सुभाष नगर का फ्लाई ओवर, ये सारे विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। भोपाल की जनता ने दो बार हमें पार्षद, एक बार महापौर बनाया है। जनता के जो विकास के काम किए, जनता उसका आकलन करेगी और जीत का आशीर्वाद भोपाल के बेटे को देगी। शुक्रिया। तो आलोक शर्मा जी हैं भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे की तरफ भी देखेंगे तो ये जो चुनावी रथ है लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जगह जगह जो तो
कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और आलोक जी इसी बात को कह रहे हैं कि जनता में खासा उमंग है, उत्साह है। और हमारे साथ पूर्व विधायक जी भी है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से जन समर्थन इस बार मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में मोदी लहर है और भोपाल भी उससे अछूता नहीं है। भोपाल में इस बार रिकॉर्ड जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, और आलोक शर्मा जी इस बार कम से कम 6 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो ये हमारे साथ है भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जनता के बीच जो है योगी सरकार की गारंटी लेकर वो जा रहे हैं और भोपाल को विकसित भोपाल बनाने की दिशा में वो काम करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि उनके इस संकल्प को भोपाल की जनता कितना समर्थन देती है। भोपाल से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।